कर्नाटक का बुर्का विवाद अब राजस्थान के अंदर पहुंच चुका है। बातचीत की जाए इस बुर्का विवाद की तो बुर्का विवाद राजस्थान के चाकसू के अंदर देखने को मिल रहा है। कस्तूरी देवी कॉलेज के अंतर्गत कल कुछ छात्राएं बुर्का और हिजाब पहन करके कॉलेज के अंदर आती हुई नजर आई थी, तो प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, स्कूल प्रशासन ने, और उन सभी को जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसी को ही पहनने के लिए कहा गया। लेकिन ये विवाद तूल पकड़ गया और तूल पकड़ने के बाद में दोनों के बीच में आनाकानी भी देखने को मिली है। एक तरफ जो हिजाब पहन करके आई छात्राएं हैं उनकी मांग थी कि हमको हमारे धर्म से अलग किया जा रहा है और हमारी जो मांगे हैं, क्या एक धर्म की पालना करना गलत है, यह सभी मांगों को लेकर के वह छात्राएं चाक्षु के अंदर प्रदर्शन करती हुई भी नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर इसमें जो कॉलेज प्रशासन था वह आनन फानन के अंदर नजर आया है और उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी, और मामले की जानकारी देने के बाद में वहां पे पुलिस का जाप्ता भी पहुंचा है। पुलिस का जाप्ता पहुंचने के बाद में समझाइश का दौर शुरू हुआ, और समझाइश का दौर शुरू होने के बाद में क्या कुछ नतीजे सामने आए हैं, क्योंकि इसके नतीजे सामने आ चुके हैं, तो नतीजे क्या कुछ सामने आए हैं यह मैं आप सभी को सीधा हमारी इस रिपोर्ट से दिखाऊंगा कि चाकसू के अंतर्गत आखिरकार ये बुर्का विवाद समाप्त हुआ है, तूल पकड़ता हुआ नजर आया है, या फिर इसमें समझौते की राजनीति देखने को मिली है। तो सीधा देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के बाद में अब राजस्थान में भी हिजाब पर विवाद शुरू हो चुका है। जयपुर के चाकसू के अंदर शुक्रवार को कुछ छात्राएं कस्तूरी देवी कॉलेज में हिजाब और बुर्का पहन करके पहुंची थी। छात्राओं को देख करके प्रबंधन ने कॉलेज यूनिफॉर्म पहन करके आने की बात कही। इस पर छात्राएं नाराज हो गई और विरोध भी शुरू कर दिया है। छात्राओं ने अपने परिजनों को भी कॉलेज बुला लिया। शुक्रवार सुबह चाकसू में कुछ छात्राएं बुर्का पहन करके कॉलेज पहुंच गई थी। कस्तूरबा कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं को मुख्य भवन में प्रवेश देने से मना कर दिया और कॉलेज यूनिफॉर्म में आने के लिए भी कहा है। नाराज छात्राओं ने हिजाब पहनकर ही कॉलेज में एंट्री देने की मांग को लेकर के विरोध शुरू कर दिया। विरोध बढ़ता देख करके कॉलेज प्रबंधन ने मुख्य भवन का गेट बंद कर दिया, और कॉलेज प्रबंधन ने मुख्य भवन का गेट बंद करने के बाद में मौके पर जो पहुंची छात्राओं हैं उनके परिजनों और ग्रामीणों ने हिजाब में ही छात्राओं को प्रवेश देने की मांग करी थी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन नहीं माना। कॉलेज पहुंची छात्राओं ने कहा है कि भारत के संविधान में सभी वेशभूषा को मान्यता दी गई है, ऐसे में हमारे धर्म के लिबास को पहनने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ सांप्रदायिक लोग बेवजह हमें परेशान कर रहे हैं, जो सरासर गलत भी है, और इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रबंधन ने चुप्पी भी साध ली है। वहीं बातचीत करें तो विवाद बढ़ने के बाद में कुछ ही देर बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश करके मामले को शांत भी करवाया, और चाकसू पुलिस थाने के उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि बुर्का हिजाब पहनने को लेकर के पूरा विवाद हुआ था, लेकिन अब मामला पूरी तरह शांत है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।